हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्यूशन लेके आए हैं इन 3ds मैक्स। वो क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। पहले नॉर्मल से आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है कि आप रेंडर निकालते हो, जिस कैमरे पे आप रेंडर निकाल रहे हो, तो आप उस कैमरे को लॉक कैसे कर सकते हो कि मैं अपने व्यू पोर्ट पे कुछ भी करूं बट रेंडर मेरा उसी व्यू पोर्ट का निकले। तो उस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे आपको इनसे रिलेटेड काफी वीडियो मिलने वाली है, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अगर आपके पास मेरी एंड्रॉयड ऐप नहीं है तो दीपक वर्मा के नाम से एंड्रॉयड ऐप है, वहां पे आप कंप्लीट कोर्सेज देख सकते हो। न्यू न्यू कोर्सेज हैं जो आप वहां से परचेज कर सकते हो और लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। आईफोन यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें और उस पे आप ODIMM मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कर सकते हैं। और अगर आप कोर्सेज के बारे में देखेंगे तो 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है ऑटोडेस्क कैड एंड रेविट आर्किटेक्चर, एंड फिर 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, एंड 2 मार्च से ही स्टार्ट होने वाला है ऑटोकैड 3ds मैक्स एंड वीरे। आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मेरी साइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप कंप्लीट कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी और कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। और आप देखोगे कि जितने भी अपकमिंग कोर्सेज और ऑनगोइंग कोर्सेज हैं उनकी सभी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और जितने हो चुके हैं उनकी भी, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और तो चलिए दोस्तों, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है कि मान लो मैं कैमरे लगा दी और ये रेंडर मेरे को करना है। नॉर्मल से मैंने सीन लिया है, सी प्रेस किया, मेरा कैमरे व्यू पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से वीरे फ्रेम बफर ऑन करता हूँ और मैं इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया, मेरा रेंडर हो जाएगा, बट अगर मैं अपने व्यू पोर्ट पे जाके पी प्रेस करके पीछे आ जाऊं, जैसे जैसे मैं अपने व्यू पोर्ट को यहां से देख रहा हूँ, चूज कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये अपडेट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इसमें मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार कि मेरे को यहाँ पे कोई काम करना है बट मैं चाहता हूँ कि ये रेंडर यहाँ पे लॉक रहे, रेंडर वही करे जो ये कैमरा यहाँ पे दिखाना जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाके कैमरे व्यू पे जाता हूँ तब जाके मेरा ये रेंडर दोबारा से वहां पे आता है, ठीक है। इसको करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आप रेंडर सेटअप पे जाओ। रेंडर सेटअप पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे रेंडर सेटअप के अंदर कि जो आपके यहाँ पे रेंडर सेटअप पे जाने के बाद आप क्या देखोगे यहाँ पे कि जो व्यू टू रेंडर है यहाँ पे, जो कैमरा आपने लगाया है वो आ जाएगा यहाँ पे, बट इसको लॉक कर दो, बस ये लॉक करना है। अब आप जैसे यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर करोगे, आप अपने व्यू पोर्ट पे कुछ भी कर रहे हो, आप इसको मूव कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे वो चेंजेस दिखते नजर आएंगे। तो इससे हमारा काम करना बहुत इजी हो जाता है कि आपको किस तरीके से इस पे काम करना है। आपके जो आपका कैमरा है वो चेंज नहीं हुआ, आप यहाँ पे काम करते जाओ और रेंडर आपको वही दिखेगा जो एक्चुअल में ये कैमरा दिखाना चाह रहा है। तो इसके करने से बहुत सारी चीजें जो सॉल्व हो जाती हैं, जैसे आप इस इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो, मान लो आपके पास ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर आप इससे कैमरे से बाहर आओगे तो इतनी सारी चीजें हैं जो मैं करने वाला हूँ। मैं कैमरे व्यू पे गया, यहाँ पे रेंडर किया। अब मैं यहाँ पे अगर इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर ऑन किया, अब मेरा रेंडर यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मैं इस व्यू पोर्ट को थोड़ा सा भी रोटेट करूंगा तो ये भी मेरा हिल जाएगा। तो बेटर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रेंडर सेटअप जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे जाके आप अपने उस कैमरे को लॉक कर दो, तो आपका कैमरा यहाँ से लॉक रहेगा और उसके बाद आप कितने भी उसके अंदर चेंजेस करो वो आपको वहीं पे दिखाई देगा। तो ये चीजें आपको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम से बचा देती हैं कि आपको एक्सटीरियर में कोई काम कर रहे हो, रेंडर साथ के साथ देखना और वो वर्क भी आपको साथ के साथ करना है, तो इन सब चीजों को आप इजिली वहां पे कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।